क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव तो अभी क्रोधित हैं। कदाचित महादेव ने इंद्रदेव की क्षमा याचना स्वीकार नहीं की। मेरे तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि लौटाई नहीं जा सकती। मूषक जी तो थक रहे हैं, इनकी गति भी धीमी पड़ रही है। अपना वेग कम मत कीजिए, अपनी तीव्रता बढ़ाइए मूषक जी। प्रभु आप स्वयं भी इस संकट में फंस गए हैं और मुझे भी फंसा दिया। महादेव के क्रोधाग्नि से तो अब हमारा बचना असंभव है। आपने इंद्रदेव को उनका दंड क्यों नहीं भुगतने दिया? नहीं मूषक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मूषक जी आप अपना ध्यान बस अपने वेग पर लगाइए, शीघ्र चलिए। जी प्रभु। और इंद्रदेव आपके समक्ष आपकी रक्षा का मात्र अब एक ही उपाय है, और वो उपाय है महादेव, 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 मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अहंकार के वश में कभी नहीं आऊंगा प्रभु। प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव 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 मेरी याचना स्वीकार कर लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। प्रभु मेरी गुहार स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव तो अभी क्रोधित हैं। कदाचित महादेव ने इंद्रदेव की क्षमा याचना स्वीकार नहीं की, अर्थात प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है प्रभु। परीक्षा परीक्षार्थी के अच्छे परिवर्तन के लिए होती है, उसके अंत के लिए नहीं। मैं आपसे विनती करती हूँ ना, इंद्रदेव अपनी भूल स्वीकार कर चुके हैं, अब आप भी शांत हो जाइए। आपने मुझे क्षमा कर दिया, मैं सुरक्षित हूं प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन करता हूं प्रभु,
आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं वचन देता हूं प्रभु, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। पिताश्री की क्रोधाग्नि तो बहुत निकट आ चुकी है। महादेव की क्रोधाग्नि? महादेव की क्रोधाग्नि तो अभी भी इंद्रदेव पर लक्षित है। पिताश्री, आपका क्रोध शांत हो गया है, अब तो अपने क्रोधाग्नि को रोक दीजिए। हाँ हाँ प्रभु, हाँ मान जाइए प्रभु। मेरे तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि लौटाई नहीं जा सकती। देव की क्रोधाग्नि मुझे लीलने वाली, कदाचित यही मेरी नियति है। पिताजी, माता, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझ पर एक और उपकार कीजिए। मेरी पत्नी देवी शची तक मेरे अंतिम संदेश के रूप में मेरे सभी दोषों की क्षमा याचना पहुंचा दीजिए माता। क्षण शेष है देवराज इंद्र के पास। इंद्रदेव ने उचित अनुचित का भेद समझने में बहुत विलंब कर दिया। पिताश्री की क्रोधाग्नि की शक्ति को अब लौटाया नहीं जा सकता, तो अब क्या उपाय है इंद्रदेव की रक्षा का? देव की क्रोधाग्नि मुझसे नहीं टकराई, मैं सुरक्षित हूं।
देवराज रक्षित हो गए। उचित समय पर पिताश्री ने अपनी ऊर्जा से क्रोधाग्नि को पीछे धकेल दिया। देवाधिदेव महादेव की दया उनके क्रोध से कहीं बढ़कर है। महादेव की लीला महादेव ही समझ सकते हैं। धन्य है आप पिताश्री, आपने अपने क्रोधाग्नि की दिशा मोड़कर उसकी मर्यादा भी रखी और इंद्रदेव के प्राणों की रक्षा भी कर ली। प्रभु, आपने मुझे क्षमा कर दी, मेरी रक्षा की आपने, मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन करता हूं प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंतु पिताश्री, आपकी क्रोधाग्नि ऐसे तो शांत नहीं हो सकती। जब तक किसी को लक्षित नहीं करेगी तब तक ये शांत नहीं होगी। चिंता मत करो पुत्र कार्तिकेय, मेरी क्रोधाग्नि किसी का जीवन नष्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उसका मार्ग सागर की ओर मोड़ दिया है। अद्भुत पिताश्री, अद्भुत। आपका न्याय उचित है स्वामी, दोषी देवराज उचित पाठ भी सीख गए और उनको क्षति भी नहीं पहुंची। अब सब यथावत है, सब कुशल है, धन्य है पिताश्री। महादेव की क्रोधाग्नि का कुछ ना कुछ भयंकर परिणाम तो होकर ही रहेगा। ये कैसा अनर्थ हो रहा है। मेरी क्रोधाग्नि अब सागर में विलीन हो गई है। ये शुभता के लक्षण नहीं है, ये सृष्टि पर अवश्य ही कोई नया संकट लेकर आएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। इंद्रदेव को क्षमा करना आपकी उदारता का उदाहरण है स्वामी। ये महादेव ने क्या कर दिया, उनकी क्रोधाग्नि जल से शांत नहीं होगी। अभी तो मुझे शंका है कि जल और अग्नि दो विपरीत तत्व एक साथ आएंगे तो कोई ना कोई विचित्र अप्राकृतिक संकट जन्म लेगा। मुझे महादेव को अभी सचेत करना होगा। महादेव तो निश्चिंत होकर कैलाश लौट रहे हैं। किंतु सागर के गर्भ में क्या उत्पन्न हुआ है वो किसी को ज्ञात नहीं। मुझे किसी महासंकट की आशंका हो रही है।
आज्ञा दीजिए प्रभु। देवी सची ने मुझे इंद्रदेव को सुरक्षित रखने के लिए उनके साथ भेजा था और अब वो कुशल है तो मुझे प्रस्थान करना चाहिए। देवगुरु, अहंकार वश मैंने आपसे बहुत कुछ अनुचित बोल दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। देव राजेंद्र, महादेव की कृपा से अब सब कुशल है। गणेश जी, मुझे ज्ञात नहीं मुझ पर किसके कुछ से छाया पड़ गई थी, जो आपके बुलाए जाने पर मैंने अपने सारथी माथली को भेजने की दृष्टता की। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। इंद्रदेव, मैंने तो आपको एक अत्यंत आवश्यक विषय पर चर्चा के लिए बुलाया था। यदि मैं प्रतीक्षा कर सकता था तो अवश्य करता। प्रभु, मैं लज्जित हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, किंतु आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों था? देवराज, ऋषि अंगिरस कैलाश आए थे किंतु तब पिताश्री ध्यान में थे। ऋषि अंगिरस? वो अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने बताया कि बिना वर्षा के दक्षिण में प्रजा अकाल से कैसे त्राही त्राही कर रही है। ये उचित नहीं है। और इसीलिए गणेश ने आपको यहाँ बुलाया था देवराजेंद्र। अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। मुझे महादेव से अपने संशय के विषय में अभी बताना होगा। ज्ञात नहीं महादेव की क्रोधाग्नि कैसा विकृत रूप लेकर जन्म लेगी। देवराज, आप तो मेघों और वर्षा के देवता हैं, फिर दक्षिण में इतना भयंकर अकाल क्यों पड़ने दे रहे हैं? आप वहाँ की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं? देवराज, वहाँ की जीव जंतु वनस्पतियों को समाप्ति के निकट क्यों भेज दिया आपने? दक्षिण में वर्षा ना होने का कारण बताइए इंद्रदेव। किंतु महादेव, महादेव, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, हमें अभी चर्चा करनी होगी। अवश्य ब्रह्मदेव, गणेश भी उसी चिंता का समाधान ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है। गणेश भी समाधान ढूंढ रहे हैं, अर्थात उन्हें भी सागर में उपस्थित संकट का आभास है। हाँ फूफा जी, मैं इंद्रदेव से अभी अभी दक्षिण के अकाल की चिंता पर ही विचार कर रहा था। दक्षिण में अकाल? आप भी विराजिए फूफा जी। कदाचित ये उचित समय नहीं होगा उस प्रसंग के विषय में वार्ता करना, मुझे इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। तो बताइए देवराज, दक्षिण में पड़े अकाल का क्या कारण है और आप इसका समाधान क्यों नहीं कर सकते? किंतु प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, माता पार्वती, दक्षिण में पड़े अकाल का कारण मैं नहीं। ऋषि अगस्त्य है। ऋषि अगस्त्य? ये ऋषि अगस्त्य कौन है? और वो अकाल का कारण कैसे बन गए? तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा गणेश। ऋषि अगस्त्य और ऋषि वशिष्ठ दोनों भाई हैं। दोनों का जन्म वरुण देव के अंश से एक कुंभ के द्वारा हुआ और अब ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण की नदी कावेरी को अपने कमंडल में रख लिया। उन्होंने नदी को कमंडल में रख लिया? यदि ऐसा है तो मुझे जाने की अनुमति दीजिए पिताश्री।
जिससे मैं उस नदी को उनके कमंडल से मुक्त करा सकूं। ऋषि अगस्त्य, ऐसा नहीं होने देंगे गणेश। किंतु क्यों पिताश्री? क्योंकि वही नदी ऋषि अगस्त्य की पत्नी भी है। उनकी पत्नी कौन है ये अद्भुत स्त्री पिताश्री? पुत्र, ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा का जन्म दक्षिण की नदी कावेरी बनने के लिए ही हुआ था। किंतु लोपामुद्रा की नदी होने के बाद ऋषि अगस्त्य ने उन्हें अपने कमंडल में स्थित कर लिया और स्वयं ध्यान मग्न हो गए, जिससे नदी उनके कमंडल में बंद कर रह गई। किंतु पिताश्री, ऐसी अवस्था में कोई ऋषि अगस्त्य को जाकर उन्हें कावेरी को उनके कमंडल से मुक्त कराने के लिए क्यों नहीं कह सकता? सभी उनसे इतने भयभीत क्यों हैं? यदि वो ना माने तो हम उन्हें नदी को मुक्त करने पर बाध्य क्यों नहीं कर सकते पिताश्री? क्योंकि गणेश, ऋषि अगस्त्य की महिमा हम सभी देवताओं से भी कहीं अधिक है। किंतु भैया, वो आपसे अर्थात देव सेनापति कुमार कार्तिकेय से अधिक महिमामय तो नहीं हो सकते। मुझसे कहीं अधिक महान है, गुरु है मेरे। स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, मानस्तोके तपोबल के ही धनी नहीं, ऋषि अगस्त्य तो युद्ध कला के भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मानो वीरा रुद्र भामिनो बधिरः विश्वमन्त सत्मित्वा हवामहे। ऋषिवर, मैं आपके आश्रम आपसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आया हूँ। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर मल्ल युद्ध अर्थात कलारी पयट्टू की कला सिखाने की कृपा कीजिए। शांति पृथ्वी, शांति रामः, शांति शांति, शांति शांति। कुमार कार्तिकेय, तुम्हारा प्रशिक्षण कल भोर में प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार। जो आज्ञा गुरुवर। युद्ध में एकाग्रता और तत्परता दोनों ही आवश्यक हैं। जी गुरु। विरोधी की प्रत्येक क्रिया की सूक्ष्मता का
सूक्ष्मता से ही अवलोकन करना चाहिए, अन्यथा चूक हो सकती है। अवश्य गुरुवर। क्रिया को पुनः दोहराने से अभ्यास होता है, इसलिए पुनः करिए। जी गुरुवर। प्रयत्न करिए। कुमार कार्तिकेय, अपना लक्ष्य मुझे बनाओ। ऋषि अगस्त्य इतने प्रभावशाली योद्धा है। हाँ गणेश, मैं अति भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऋषि अगस्त्य जैसे गुरु मिले। उनकी प्रतिभा के बारे में जानकर तुम भी अचंभित रह जाओगे। तो बताइए ना भैया, फिर क्या?
क्या हुआ? व्यक्ति में प्रतिभा कितनी भी हो, उसे आकार तभी मिलता है जब योग्य गुरु का मार्गदर्शन हो। जब ऋषि अगस्त्य ने सृष्टि को जल से वंचित कराया तो एक कौवे का रूप लेकर गणेश जी ने क्या चमत्कार दिखाया और कैसे लोगों तक कावेरी नदी को पहुंचाया।